हेलो दोस्तों, मैं अमन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 मैथ्स चैप्टर है 9th एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। बहुत ही भूल दिया था मैंने, सॉरी। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 6। ओके, 5 तक हमने उसमें पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। किताब में भी देख लेते हैं कहाँ तक कवर कर ली थी, आपको दिखा देता हूँ। किताब थोड़ी सेकेंड हैंड थी ना, तो ऐसी ही थी किताब मेरे पास, ऐसी आ गई थी। ये रही इक्वेशन नंबर, ये रही ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें आइडेंटिटी मैंने जो इसमें लगाई थी, हाँ इस वाले क्वेश्चन में लगाई थी, वही आइडेंटिटी इसमें लगेगी। ओके, देख लेते हैं कैसे लगाई थी। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी है इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वट ए में माइनस लग रहा है तो हम बी को इधर ले जाते हैं और माइनस ए का स्क्वायर करते हैं। ओके, इसको करते हैं, कर लेते हैं। अब करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। पहले से एक स्क्वायर दे रखा है, कोई बात नहीं, इसका भी स्कूल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर भी दे रखा है, इसका स्क्वायर। अब हमने दूसरी आइडेंटिटी रखी थी, इसके हिसाब से हम इसको इधर लेके आएंगे। माइनस का भी हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, यही हमारा आंसर है। ये कट नहीं पाएगा और कुछ। हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, मतलब 7th इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब मैं उतारता हूँ, आप भी उतारिए। अब तक सवाल उतर चुका है, जो हमने इसमें जो आइडेंटिटी लगाई है वो ही इसमें लगेगी। इसको फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता मैं। 6x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 40। आंसर भी हमारा यही रहेगा क्योंकि ये लैग टर्म नहीं है। ओके, यही हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट में बताना इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जल्दी बताना, मैं लिख देता हूँ, आप बताओ उससे पहले। देखते हैं कौन बच्चा मुझे सबसे पहले कमेंट में करके बताता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ओके, मेरा देखे बगैर, मैं लिख रहा हूँ उसके देखे बिना ही आपको बताना है। ओके, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, बता देता हूँ। वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कर लेते हैं जल्दी से। ये माइनस का है, इसको हम माइनस कर रखेंगे। माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस लगेगा क्योंकि इधर बीच में तो प्लस है ना। 2 इंटू ए माइनस का है इंटू सी, माइनस लगा देते हैं। ओके, प्लस बी का सी एस सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में बी की वैल्यू हमारी सी इधर के इधर, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए सी, ये माइनस का इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी तो, प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का था इसलिए माइनस आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ओके, लाइक टर्म होते तो कट भी जाते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। 9th थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए पूरा देखना, 9th उतार लेते हैं। ये हमारी एक क्वेश्चन है, इसमें भी आइडेंटिटी ऊपर वाली लग रही है,
ओके, ऊपर वाली आइडेंटिटी के साथ इससे करना स्टार्ट करते हैं। x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 3y अपॉन 4, इधर लिख देते हैं x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कर देते हैं सॉल्व। अभी एक और रह गई ना 3y, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा। ओके, 4 ही तो आएगा ना, और उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा। ओके, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 3xy अपॉन 4। ओके, लिख सकते हैं ना, प्लस ये ख़त्म। अभी इसका 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है इतना, यही हमारा आंसर होगा। लाइक टर्म होते तो कट जाते, लाइक टर्म इनमें से कोई है नहीं। अब हम चलते हैं जल्दी से 10 क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। ये उतर चुका है हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आइडेंटिटी ही वही वाली लगेगी, बता देता हूँ। जब भी एक बार माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी थी, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें हमारी कितनी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती हैं। इस पहले क्वेश्चन में हमारी 4 आइडेंटिटी यूज़ हो चुकी हैं, आगे और भी आ सकती हैं। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 7a माइनस 9 6 9b का होल स्क्वायर।